नेदरलैंड देखो हमारे ग्रुप में था, आयरलैंड ने देखो हराया था इंग्लैंड को, देखो साउथ अफ्रीका हमसे सिर्फ 2 बॉल रह गई तब जीता था एंड ऑल ऑफ दैट। पर अभी आपने सोचा पाकिस्तान के 92 और इसकी सिमिलैरिटीज कितनी है, आई विल टेल यू। पिछले वर्ल्ड कप में मतलब 92 से जो पिछला वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया के साथ आप सेमीफाइनल हारे थे, 2022 का जो पिछला वर्ल्ड कप था 21 उसके अंदर आप फाइनल सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारे थे। आपने हार के साथ शुरुआत की थी, आप भारत से उसमें भी हारे थे, भारत से आप यहाँ पे भी हारे हैं, उसके बाद लगातार 3 मुकाबले जीते, तब भी जीते थे, अब भी जीते हैं, और उसके बाद आखिरी दिन आप क्वालिफाई करते हैं फॉर द नॉकआउट्स। ये 1992 में भी हुआ था, वो यहाँ पर भी हुआ है, तो इसे पाकिस्तान वर्ल्ड कप मतलब पहुंच तो गए हैं वहां पर, क्या न्यूजीलैंड को हार थमा देंगे, धूल चटा देंगे, क्या सिमिलैरिटीज है ना। आपने सोचा नहीं होगा इतनी सिमिलैरिटीज यार, पिछले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जिस टीम से हारे थे, आई मीन एग्जैक्टली द सेम, आखिरी 3 लगातार जीत, वो आखिरी दिन क्वालिफिकेशन, वो इंडिया से हारना, आई मीन एवरीथिंग इज जस्ट एग्जैक्टली द सेम। तो क्या आर वी लुकिंग एट रिपीट? हालांकि लेट्स बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान जिस तरीके से सही समय पे पीक कर रहा है, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो सही जगह पे पहुंच रहे हैं, इफ़ आई वाज मतलब न्यूजीलैंड के गेम में अगर ना होता तो मैं इस समय चिंतित होता, क्योंकि ये वो टीम है विच इज़ टीम ऑन द राइज, विच इज़ अ टीम जिसका सारे छोड़ दिए थे उम्मीदें, दूसरों को देख रहे थे, एंड सडनली यू फाइंड योरसेल्फ इन द सेमीफाइनल्स एंड फिर से कि यार अब देख लेंगे जो मर्जी आ दो, उसके बाद आप सिडनी जाते हैं। तो होना जरूरी है, ये अनहोनी जो हो गई है, मतलब वो कहते हैं ना कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, यही हुआ है। हमारी टीम पहले मैच हार गई क्योंकि उन्होंने जीतना था, अब मुझे कप क्लियर नजर आ रहा है। 92 के वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था, जो फेवरेट्स थे ऑस्ट्रेलिया वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया था, पाकिस्तान का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ हुआ था, वो ही रिपीट हो रहा है, 92 का पूरा कप रिपीट हो रहा है यार। मतलब मैं आपको बता देता हूं 92 में एक चीज नहीं थी, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं था, फिर मैं आधा टूर्नामेंट में वापस लंदन नहीं आता, ये नहीं था, बाकी सब कुछ वैसा हो रहा है। और मुझे अब नजर आ रहा है कि सेमीफाइनल तो हम जीत गए हैं, और मुझे नजर आ रहा है कि ये जो महायुद्ध होगा पाक भारत का फाइनल, इंशाल्लाह ये कब हो गया हमारा, मेरा दिल कह रहा है ये कब हम जीत गए, लेकिन यार 2 मिनट ये कितनी अनप्रिडिक्टेबल है क्रिकेट, कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब कि यार पहला मैच हम हार गए, हम जिम्बाब्वे से हार गए, लोग पूरे बक्सर में कह रहे हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है, करते कराते कभी पॉइंट्स इधर से उधर हो रहे हैं, अनबीटन टीम साउथ अफ्रीका नेदरलैंड से हार जाती है, उफ यार, मतलब कि वाकई ये भाई ये हर क्रिकेटर पे ये स्टेटमेंट जाती है, हालात बदल के जज्बात बदल के एकदम एकदम। अब चलो आज हेलो दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच आज होने जा रहा है, उससे पहले आकाश चोपड़ा एंड मोमिन साकिब का 1992 पाकिस्तान विजेता वर्ल्ड कप पर सिमिलैरिटी पर बात हो रहा था। ये इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा दोस्तों, वीडियो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब है तो न्यूज चैनल।